अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडी लेक्चर। ओपन द पेज नंबर 82, यूनिट नंबर 4, कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर मींस सकाफत एंड सोसाइटी मींस मुआशरा। लेसन नंबर 12, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन मींस खबर रसाई या राबता। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली इज़ एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पीपल आर मोर देन टू पीपल। मीन्स जब भी हम किसी से बात करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स नकलो हमल, मीन्स एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स वेज ऑफ कीपिंग इन टच विद समवन एल्स। समवन एल्स मीन्स किसी और के साथ। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम किसी और के साथ राबता करते हैं तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो क्या होता है, कम्युनिकेशन। व्हेन वी कम्युनिकेट, जब हम कम्युनिकेट करते हैं बाय स्पीकिंग, बोलकर, राइटिंग, लिखकर, और बाय मेकिंग साइंस, या फिर कोई भी इशारा करते हैं जिससे दूसरे को हमारी बात समझ में आ जाती है, तो वो क्या होता है, वी गेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स मालूमात। तो क्या होता है, हमें मालूमात मिलती हैं। इंफॉर्मेशन इज़ नॉलेज। इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज होता है। नॉलेज मीन्स इल्म। इल्म किसी भी चीज़ के बारे में, अबाउट एन इशू, प्रॉब्लम, इवेंट, प्रोसेस और सब्जेक्ट। इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी इशू, किसी भी मसला, कोई भी वाक्या, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक के बारे में जो इल्म हम रखते हैं, जो भी हमारे पास, जो भी हम उसके बारे में जानते होते हैं, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन। वी रिसीव, हम हासिल करते हैं, एंड कन्वे, और आगे भेजते हैं इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम इन मैनी डिफरेंट वेज। हम हर टाइम डिफरेंट तरीके से बोल कर या लिख कर या कोई भी साइन बना कर जो है वो इंफॉर्मेशन आगे शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से। कन्वर्सेशंस, गुफ्तगू, बातचीत एंड एक्शंस इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज इन कन्वे इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे आगे कन्वे करते हैं, बातचीत करके या कोई भी एक्शन करके। वी कैन लिसन, रीड एंड वॉच डिफरेंट थिंग्स टू गेट इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, कुछ भी सुनकर या देखकर या पढ़कर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन वी गेट इज़ वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन्स कीमती, बिकॉज इट कैन इफेक्ट आवर बिहेवियर, तौर तरीका, डिसीजंस, फैसले एंड आउटकम्स, हासिल और नतीजा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम हासिल कर रहे होते हैं वो कीमती होती है। क्यों कीमती होती है, क्योंकि अगर हम कोई भी बात करते हैं, हमारा बिहेवियर या कोई भी हम डिसीजन अगर लेना चाह रहे हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन पर बेस कर रहा होता है। द रिटन वर्ड इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डेट हैज़ एवर बीन इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मीन्स ईजाद करना। कहते हैं सबसे जो बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, रिटन फॉर्म है, जो हम लिख कर करते हैं। इन बुक्स एंड मैगजीन्स वी कैन रीड अबाउट एनी सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। कहते हैं अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, कोई भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो हम बुक्स और मैगजीन्स से पढ़ कर जो है वो इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। वी कैन डू दिस एनी वेयर। एनीवेयर मीन्स किसी भी जगह, एंड एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। और ये बुक्स और मैगजीन्स जो है वो हम कहीं भी, किसी भी जगह पे जो है वो किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। मोर बुक्स हैव बिन रिटन दैन एनी ऑफ अस कुड रीड इवन इन 20 लाइफ टाइम्स। कोई भी बुक जो लिख चुकी हुई, मतलब बुक्स जो लिखी जा चुकी हुई हैं, उनको हम अपनी लाइफ में कितनी भी बारी पढ़ सकते हैं, देर इज़ नो लिमिट। सो वर्स द कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, कोई भी बातचीत जो होती है आपस में, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। जब कोई भी इंसान किसी दूसरे से बात करता है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। और ये इंफॉर्मेशन शेयर, कम्युनिकेट हम जो है वो कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, तीन, या तो बोल करके, या फिर लिख करके, या फिर कोई भी इशारा करके कि दूसरे को कोई बात हमारी समझ में आ जाए। और इंफॉर्मेशन जो है वो हम कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं, हम थ्रू रेडियो, थ्रू टीवी, थ्रू न्यूज़पेपर, और कुछ भी देख करके हम इंफॉर्मेशन जो है, बुक्स पढ़ करके हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है रिटन फॉर्म में, जो हम लिख करके करते हैं।